पापा गाली दे रहा, हम लोग नहीं बोल रहे। आप बगैर दारू पिया? कौन पिया था? और दिवाकर सर और तीन चार थे ये लोग, हम लोग को नाश्ता कराने के लिए ले गया, ये लोग अपने दारू पी लिया वहाँ पे जाके घुस के। बिहार के सहरसा से शर्मनाक खबर सामने आई है। जिले के पतरघट प्रखंड क्षेत्र के मौनी मध्य विद्यालय के कुछ शिक्षकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षक छात्रों के साथ गलत व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शनिवार को स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्रों को लेकर 8 शिक्षक नेपाल परिभ्रमण पर गए थे, जहां कुछ शिक्षकों ने शराब का सेवन किया। इसके बाद उन्होंने अपनी सभी हदों को पार करते हुए नशे में छात्रों से ही उलझना शुरू कर दिया। इसका वीडियो छात्र ने बना लिया और उसे वायरल कर दिया। वहीं इस मामले में छात्रों का क्या कुछ कहना है आप सुन लीजिए। कहाँ गया था तुम लोग? नेपाल घूमने गए थे। कौन ले गया था? शिक्षक चोर भ्रमण के लिए ले गया था। तो क्या हुआ तुम वहाँ पे? दारू पिया। कौन पिया था? और दिवाकर सर और तीन चार टो थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से रिटर्न होने तो लड़की लोग के देह पे गिर रहा था। कौन गिर रहा था? शिक्षक। शिक्षक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग बोले तो हम लोग को मारने लगा। अच्छा, गाली गलौज दिया। हाँ, गाली गलौज दिया। मैं मैदापुरा है, कल को चलो हम उका दिखाते हैं तुम लोग को। अच्छा, दो गाड़ी खोजो दिवाकर सर। हाँ, दो गाड़ी खोजो। दो गाड़ी बोला, फोन करके बोल रहा था, दो गाड़ी भेजो कर्पूरी चौक पर। अच्छा, रास्ता उतारा गया। बस कहाँ उतारा? विद्यालय सुखासन हम लोग को उतार दिए, वहाँ से पैदल आए हम लोग। क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल कुमार। तुम इस विद्यालय में जो है किस क्लास में पढ़ता है? टेंथ में। टेंथ के साथ लड़की लोग भी थे साथ में? हाँ। कहाँ घर हुआ तुम्हारा? देवा टोला। लड़की के साथ में बदतमीजी क्या था? हाँ, लड़की के साथ में बदतमीजी। किस विद्यालय से आप लोग गए थे टू पे? मौनी मध्य विद्यालय। कहाँ से? कहाँ रहा? किस प्रखंड क्षेत्र पढ़ता है? पतरघट प्रखंड। कौन कौन गए थे साथ में टीचर में? टीचर में भी गए थे, चार पाँच टीचर थे। कौन कौन शिक्षक जो है नशा किए थे? दिवाकर सर किए थे और अभय सर था कारा का ही, वो भी किए थे। और कौन कौन किए थे? और राजेश सर है, वो भी किए थे। तो ये सब लड़की के साथ में बदतमीजी किया था? हाँ, लड़की के भी साथ में बदतमीजी किया। तो वहाँ से जो नेपाल जो गए थे, तो नेपाल में क्या घुसने के साथ ही लोग नशा कर लिए थे? ये लोग हम लोग को नाश्ता कराने के लिए ले गया, ये लोग अपने दारू पी लिया वहाँ पे जाके घुस के। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद वहाँ से लेकर के आया, रास्ता में हम लोग को उतार दिया गाड़ी पर। कहाँ पे उतार दिया? यहाँ सुखासन में। सुखासन में? घर विद्यालय तक नहीं लाया? नहीं लेकर आया विद्यालय तक। शिक्षक भी साथ में आया था कि शिक्षक सब भाग गया था? शिक्षक सब भाग गया था। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? टेंथ में। टेंथ में है। क्या नाम है? प्रियांशु कुमार। पिताजी का नाम? रोशन कुमार। घर? कहरा। इधर जानकारी मिलने के बाद सुबह सुबह ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। वरीय अधिकारी के आने का इंतजार किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि जिस शिक्षक के साथ बच्चे को अभिभावक भेजता है, वही जब हरेक साल शराब नहीं पीने की शपथ लेने के बाद ऐसी हरकत करे तो आखिर बच्चे को क्या सिखाएंगे। इधर मौनी मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने कहा कि 26 अक्टूबर को कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं को शिक्षक नेपाल परिभ्रमण के लिए बस से ले गए थे। वापसी के क्रम में शिक्षक दिवाकर कुमार, अभय कुमार और कृष्ण कुमार शांडिल्य ने नशा का सेवन किया। वही आगे क्या कुछ शिक्षक ने बताया आप खुद सुन लीजिए। गए हुए थे यहाँ के छात्र और शिक्षक, क्या मामला है उसमें? मामला वापसी के क्रम में नशाबाजी हुआ बस में। बस में नशाबाजी हुआ? हाँ, लोग चोरी छुपे, हमसे छुपा के। हाँ, कहाँ रखे नहीं रखे तो हम नहीं जानते। कौन कौन सर नशाबाजी किया था उसमें मामला में? उसमें दिवाकर जी थे, दिवाकर रात्रि प्रहरी। रात्रि प्रहरी का नाम? छोटू नांजा। ये लोग थे तो हम किसी को नहीं देखे, लेकिन नशे के हालत में जो हरकत होती है इसमें कोई कमी नहीं। अच्छा,
अच्छा, तो सर लोग का, आप लोग जो गए थे भ्रमण के, सर कहाँ का बस था और कितना कौन कौन क्लास का छात्रा था और कितना बचा था सर? छात्र छात्रा केवल नाइन्थ का था, उसने 19 छात्रा थी और 26 छात्र थे। कहाँ कहाँ सर भ्रमण हुआ था? यहाँ से बहे से कुर्सी महाराज गए और वापसी में गणपतगंज विष्णु मंदिर गए। उसके बाद सर आरोप लग रहा है जो, उसके बाद विद्यालय चले आए। उसके बाद सर आरोप लग रहा है कि जो ग्रामीणों का जो सुखासन में ही बस से विद्यार्थी सबको उतार दिया गया, छोड़ दिया गया था और सभी शिक्षक फरार हो गए। ऐसी बात नहीं थी, नशा का जो किसी ने कवर कर दिया 112 को, तो उसमें बस वाले को टॉर्चर करना शुरू हो गया। 112 वाला कहाँ है, लोकेशन दो, क्या करो न करो, तो वो डर से सुखासन पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोका। बस कहाँ की थी सर? बस तो मधेपुरा की है, जदुवंशी रथ, नंबर हमको नहीं पता। अच्छा, वो रसीद देखा तो नंबर का पता चल जाएगा। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल कुमार। सर इस विद्यालय में आप किस पद पर सर कार्यरत हैं? हम प्रभारी प्रधान अध्यापक के पद पर हैं। तो सर ग्रामीणों ने आज तो तालाबंदी किया है, तो सर क्या आपने अपने बढ़िया पदाधिकारी को सूचना दिया इसका? ग्रामीण वो जी नशा वाली हालत में जो बच्चों को छोड़ के टीचर लोग भाग गए, हम अकेले पड़ गए, हम और राजेश झा बस में रह गए केवल। और 19 लड़की थी, ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि परिभ्रमण का उद्देश्य छात्र छात्राओं को इतिहास और ऐसी स्थानों की जानकारी देना है जिससे वह कुछ सीख सके, लेकिन शिक्षकों के आचरण के कारण सभी को शर्मसार होना पड़ा। लोगों ने कहा कि शिक्षकों ने अपशब्द का प्रयोग किया और हाथापाई भी की। संयोगवश कुछ छात्रों ने वीडियो बना लिया। मामले की जानकारी डायल 112 पुलिस को भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों के बीच काफी आक्रोश है। लोग वरीय अधिकारी से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि सरकार के कानून का वही लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रत्येक साल शपथ लेकर शपथ पत्र जमा करते हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मामला है आज विद्यालय में तालाबंदी किया गया। हम लोग के साथ में थे नहीं। प्रभारी प्रधानाध्यापक अनिल बाबू के कथनानुसार, अनिल बाबू जो लिखित दिए हैं उनके अनुसार, विद्यालय के 3 शिक्षक दिवाकर कुमार, अभय कुमार झा, कृष्ण कुमार सांडिल और एक है रात्रि प्रहरी छोटूनाथ झा, ये चारों नेपाल परिभ्रमण में गए थे विद्यार्थी को लेकर के। ये चारों दारू पी करके रास्ते में जो है सो पूरा नाटकबाजी करते हुए आए हैं बस में। अच्छा, अश्लील हरकत किए हैं, क्या कहते हैं, भोजपुरी गाना बजा, उस पर डांस वंस ये वो, उसी में से दारू भी लेके ये लोग आ रहे थे। एक कार्टून तो जिसमें से एक कुछ लड़का जो सयान था 17-18 साल का, वो एक दूठो बोतल भी शायद चुराया, जो सुन रहे हैं उन लोग पिया या फोड़ दिया, जो भी हो भगवान जाने। उसके बाद जो है सो 112 नंबर पे कॉल किया, तो 112 नंबर मधेपुरा का पीछा किया और इधर पतरघट वाला सब यहाँ कारा मोड़ पे था, तो लोग क्या किया, पेट्रोल पंप के पास ही सभी शिक्षक लोग उतर के किसी पेट्रोल के पंप के पास, आर्या पेट्रोल पंप के पास। कहाँ है ये? सुखासन चकला। वहाँ से जो है सो मास्टर लोग नहरी पकड़ के, नहर पकड़ के खेते खेते जैसे तैसे हुआ अपना, उन लोग आ गए, लड़का लोग को वहाँ से उतार दिया गया और लड़की लोग को यहाँ तक पहुँचा दिया। यहाँ तक कहाँ छोड़े, हम लोग गए लाके जाके लाए, वो लोग रोते रोते फोन की, तब हम लोग गए चार आदमी से, सब लड़की लोग को लाए हैं, बच्चा जो दौड़ दौड़ के आया, किसी का पैर मच गया, किसी को छिछाच लग गया, कोई गिर गया रास्ता में, किसी तरह धाने धन आया, अभी भी दारू का बोतल है। हाँ, एक टीचर पीछे से घुस गया स्कूल में, उसको फेंकने के लिए बोतल के लिए हम लोग गेट पे पीछे से फांग के गया है। ये सारे लोग गवाह। कौन विद्यालय ये है? विद्यालय आपका क्या नाम हुआ? कार्तिक कुमार, वार्ड नंबर 4 का। शिक्षक कौन था इसमें? पहले यहाँ भ्रमण राशि आया था जो शनिवार को शिक्षक लोग ले गए नेपाल भ्रमण में,
जिसमें कि हाई स्कूल मिडिल स्कूल सारे सब शिक्षक लोग थे, वहाँ दारू पिए, एक पेटी दारू गाड़ी में लोड किए और बच्चा को गाली गलौज रास्ता पूरे रास्ता किए और आधा रास्ता में 9 बजे रात को छोड़ दिए। यही कारण से हम लोग पूरे ग्रामीण गार्जियन बैठे हैं। हम लोग को डीएम साहब से न्याय चाहिए, तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे, उससे पहले हम लोग नहीं उठेंगे। किस विद्यालय से भ्रमण के लिए निकला था गाड़ी? मोनी मत विद्यालय से। अच्छा, किस क्लास का छात्र था उसमें? 10वां क्लास के छात्र, 9वां 10वां था और उसमें सारा था, उसमें मिडिल स्कूल का सारा टीचर बैठ गया था पिकनिक मनाने के लिए। सारा शिक्षक अश्लील गाना बजा के डांस करता था, लड़की लोग के बच्ची लोग के देह पे गिर जाता था और उस लोग को रात में 9 बजे वहाँ आधा रास्ता में छोड़ दिया। बच्चा लोग रोते रोते घर आई है, उसका जवाब दे कौन लेगा? हमको न्याय चाहिए डीएम साहब से, इसलिए हम लोग पूरे ग्रामीण धरना पे बैठे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, डीएम साहब नहीं आएंगे, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम मनोहर झा। घर खारा, वार्ड नंबर 1। मेरा भी 3 बच्चा पढ़ता है, 1 साल से मेरा बच्चा 9 बजे हमारा बीबी भेजती है उसको मुनी मत विद्यालय लिखने के लिए नहीं आता, उसका जवाब दे कौन लेगा? यहाँ मास्टर लोग पंखा में एसी में बैठ के यूट्यूब और क्या क्या फिल्म देखते रहता है बच्चा का, एक क्लास में 1 साल से मेरा बच्चा आता है उसको मुनी मत विद्यालय लिखने के लिए हिंदी में नहीं आता, उसका जवाब कौन लेगा? इसका भी हमको न्याय चाहिए। दर्श न्यूज के लिए सहरसा से नीरज कुमार की रिपोर्ट।